नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। तो दोस्तों, आज के टाइम में बड़ा आसान हो गया है किसी के अकाउंट से पैसा निकालना। इसी कारण हैकर स्कैमर नया नया तरीका ढूंढते रहते हैं आप सभी को लूटने का और आप सभी के बैंक अकाउंट से पैसे जब्त करने का। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे, तो ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा, तभी आपको समझ आएगा इन लोगों से कैसे बचना है, ताकि आप अपने और अपने दोस्तों के साथ होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, इसमें एक नया तरीका आया है जिसमें हैकर्स या स्कैमर एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कैसे आप एनीडेस्क सॉफ्टवेयर से बच सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर कितना खतरनाक है अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की। तो दोस्तों, आपको बताता हूं एनीडेस्क सॉफ्टवेयर होता क्या है और कैसे हैकर्स और स्कैमर की मदद करता है आप लोगों का अकाउंट बैलेंस जीरो करने में। वैसे दोस्तों, एनीडेस्क सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोग अपने कई सारे डिवाइस को मैनेज करने के लिए। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्यूटर है और एक मोबाइल फ़ोन है, तो मैं अगर चाहूँ अपने मोबाइल फ़ोन को मैनेज कर सकूँ अपने कंप्यूटर से, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकते हैं एनीडेस्क सॉफ्टवेयर का, क्योंकि एनीडेस्क सॉफ्टवेयर दोनों पर काम करता है। तो आप एक कंप्यूटर को किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे यूज़ करते हैं प्रोफेशनल लोग काम के लिए। लेकिन हैकर्स और स्कैमर यूज़ करते हैं किसी के भी अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। कैसे, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हैकर्स और स्कैमर आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे आपको कूपन भेज रहे हैं। वैसे वो ज़्यादातर आपको रिक्वेस्ट भेजेंगे यूपीआई ऐप में, चाहे वो भीम हो, फोन पे हो, गूगल पे हो या कोई भी यूपीआई पे हो, तो वो आपके ऐप में रिक्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप एक्सेप्ट करते हो, वो उल्टा आपके अकाउंट से पैसे निकाल लेगा, और आप मना करते हो तो वो आपको बोलेगा एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, आप इंस्टॉल कर लीजिए जिसके आपके वेरिफिकेशन कंप्लीट हो सके। और जैसे ही आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और इस सॉफ्टवेयर के आईडी बताते हो, तो आपके फ़ोन का सारा फंक्शन उसके मोबाइल में खुल जाएगा। मान लीजिए पूरी तरह से जो भी आपके मोबाइल में है वो सब यूज कर सकता है वो। तो सावधान रहिएगा, क्योंकि वो किसी का भी नाम लेकर कॉल कर सकता है। जैसे मैं पेटीएम कंपनी से बोल रहा हूँ या फिर फ़ोनपे कंपनी से बोल रहा हूँ, किसी का भी नाम ले सकता है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।